इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो फिर पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बन गया है। पाकिस्तान ने यूएन के मंच से भारत पर कई तरह के गलत आरोप लगाए, जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने आरोप लगा दिया कि भारत ने साल 1989 से लेकर अब तक 96,000 कश्मीरियों की जान ले ली। पाकिस्तान यूएन के मंच से भारत पर यह भी आरोप उसने लगाया कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की खुफिया एजेंसी टीटीपी को मदद दे रही है। इन सब बातों के बाद भारत का पारा आसमान पर चढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, उसकी जड़ें पाकिस्तान में ही मिलेंगी। भारत की ओर से काउंसलर आर माधवन ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर झूठे दावे कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान अपने देश के बुरे हालातों का दुनिया से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी आनंद में रहते हैं और आम लोग, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया। आर माधवन ने आगे लताड़ लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने पोसने का इतिहास रहा है। दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसकी जड़ें पाकिस्तान में मिलती हैं। ओसामा बिन लादेन भी तो वहीं मिला था। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के अपराधी को भी उनका संरक्षण हासिल था। भारत ने कश्मीर पर अपना रुख एक बार फिर से यूएन के मंच पर साफ किया है। पाकिस्तान को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र की याद दिलाई गई। भारत ने दो टूक कहा कि पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। हम पाकिस्तान से आह्वान करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन इलाकों को तुरंत खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके साथ ही पाकिस्तान को यह भी कहा गया कि कोई भी सार्थक वार्ता आतंक, दुश्मनी और हिंसा के साय में नहीं हो सकती। बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तब तक भारत सीमा पार से चल रहे आतंकवाद का जवाब देने के लिए कदम उठाता रहेगा। दरअसल पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ अलग अलग मंचों से प्रोपोगेंडा करता रहता है, लेकिन यूएन के मंच पर जब पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की तो भारत ने उसे वहीं पर करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।